तो आज का हमारा बीबीए की फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर पहले देखते हैं बीबीए का यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट है। सबसे पहले बीबीए के लिए आपको चाहिए डेवलपर टूल बार। ये कहाँ से आएगी? फाइल में, ऑप्शन में, कस्टमाइज रिबन, और फिर ये डेवलपर का जो है अनचेक होता है, इसको चेक करना होता है, तो आपका डेवलपर टूल बार आ जाती है, ठीक है। कोडिंग के लिए इसमें ये सेक्शन है जिसके अंदर विजुअल बेसिक है, ठीक है। विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे हम या ऑल्ट F11 दबाएंगे तो हमारी एक अलग से यूनिट खुल जाती है कोडिंग के, एक अलग से विंडो है ये VBA की। इसको देखते हैं, इसमें आपका जो फाइल का नाम आ रहा होगा वो ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट। तो एक्सेल ऑब्जेक्ट में आपकी शीट्स जितनी भी होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो भी कोडिंग करते हैं हम मॉड्यूल में करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है, जैसे ही मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे एक मॉड्यूल हो गया इंसर्ट मॉड्यूल के नाम से आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। आपको एक कोडिंग एनवायरनमेंट मिलता है जिस पे आप लिख सकते हो, मॉड्यूल वन के नाम से इस पे आप कोड बना सकते हो, ठीक है। इसमें एक आपके और क्या क्या सेक्शन होते हैं, एक तो अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को भी डबल क्लिक करते हो तो ये कोडिंग स्क्रीन खुल जाती है। तो इसकी कोडिंग स्क्रीन अलग होती है, बुक वन, शीट वन, कोड, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन पे इवेंट प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। जो भी हम अभी फ़िलहाल कोडिंग करेंगे वो मॉड्यूल वन में करेंगे, मतलब हम कितने भी मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं उसमें हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कोड लिखने के लिए सबसे पहले यूज़ करना होता है सब। सब का मतलब है सब प्रोसीजर, और उसका नाम देना होता है कोड का, आपके मॉड्यूल सब प्रोसीजर का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एंटर दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है एंड सब। जो भी कोड लिखना है हम इसके बीच में लिखते हैं, जैसे एक सैंपल कोड कर दूँ, मैसेज MSG बॉक्स और स्पेस दिया, इसमें मैंने कर दिया हेलो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, मैसेज बॉक्स स्पेस हेलो कर दिया। तो ये जो मैंने बनाया है एक मैक्रो बनाया है, इसको आप एक्सेल में यहाँ मैक्रो के सेक्शन में देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वही नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपने इस पर क्लिक करना है। एक बार विजुअल बेसिक की स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से वापस मैक्रो A1 के नाम से दूसरे मॉड्यूल में एंट्री हो जा रही है। इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ABCD कर देता हूँ, ABCD, नाम की वजह से कई बार दिक्कत हो सकती है। मैक्रो ABCD, ठीक है, रन करके आ रहा है। इसको हम रन करेंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो मैसेज बॉक्स जो डाला था वो चल गया मेरा, ठीक है। तो मैक्रो में करते हैं और वो आपके पास लिस्ट दे देता है, ठीक है। A1 इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि A1 सेल का नाम था, ठीक है। तो ABCD कुछ भी नाम डाल सकते हैं। दोबारा दूसरा कोड लिखना है XYZ MSG बॉक्स स्पेस कुछ भी, हाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा XYZ के नाम से, रन का ऑप्शन आ रहा है, रन किया आ गया। तो ये हमारे दो जो बन गए हमारे मैक्रो बन गए, ठीक है। मैक्रो के बाद आपका जो भी कोडिंग करते हैं उधर करते हैं, इमीडिएट विंडो होती है। जैसे एक लाइन का कोड है, इसमें तो हम कई सारे डाल सकते हैं और भी मैसेज बॉक्स डाल सकते हैं,
कोई भी कोड हमने एग्जीक्यूट करके देखना है तो इमीडिएट विंडो से कर सकते हैं। इमीडिएट विंडो कहाँ से आती है? व्यू में इमीडिएट विंडो, शॉर्टकट है कंट्रोल जी। तो इसमें आप कोई भी कोड लिख के अगर एंटर मारते हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, सिंगल लाइन कोड, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, इस कोड को करना है, इसके बीच में क्लिक करो, यहाँ पे ये प्ले का बटन होगा, रन सब स्लैश यूज़र फॉर्म, तो इस पर क्लिक करते हो तब भी चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका शॉर्टकट वगैरह देना है तो ए बी सी डी का मान लो मुझे शॉर्टकट देना है कोई, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑप्शन में चला गया, यहाँ पे मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, मान लीजिए क्यू दे देता हूँ, तो कंट्रोल क्यू मेरा इसका शॉर्टकट हो जाएगा। जब मैं कंट्रोल क्यू दबाऊँगा तो वो मैक्रो चल जाएगा, ठीक है। अब मैक्रो को पहले समझते हैं कि होता क्या है, कैसे चलता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस फाइल को, ये PLT फाइल है मेरी, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक। इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि मैक्रो की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले कुछ निशानों को, उसको सिंबल्स को मैं आपको क्लियर करूँगा ताकि इससे कनेक्ट करके हम ये समझ सकें कि प्रोग्राम चलते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें है स्टार्ट एंड स्टॉप, जिसका मतलब है प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप करना, ठीक है। ये राउंड शेप का होता है, ओवल शेप का। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आपको मेनली इनको देखना है। जब स्क्वायर बॉक्स हो तो समझ लीजिए प्रोसेस है, इस तरह से बॉक्स हो थोड़ा सा टेढ़ा सा स्क्वायर तो इनपुट, ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट के लिए इस तरह की शेप यूज़ होती है, ठीक है। डिसीजन जैसे इफ एल्स के डिसीजन होते हैं, इफ का फॉर्मूला हो गया, यस और नो का, तो डिसीजन। और बाकी ये दोनों कनेक्टर हैं कि मतलब हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, अगले पेज पे जा रहे हैं तो पेज के लिए यूज़ होता है। ऑन पेज कनेक्टर मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन आपको सेम पेज पे मिलेगी, ऑफ पेज मतलब किसी और पेज पे। और ये कनेक्टर्स होती हैं, इनको फ्लो लाइंस भी कहते हैं। तो अब एक बार गो थ्रू करते हैं इसको, ये कौन सा है, डिसीजन का, ये प्रोसेस का, इनपुट स्टार्ट स्टॉप आउटपुट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर एक छोटा सा प्रोग्राम हम बताएं कि जैसे एक इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन का प्रोसीजर आप समझाओ फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ पहले, ठीक है, गोज़ टू IICP सेंटर, लड़का सेंटर पे जाता है, ठीक है, प्रोसेस बॉक्स है, ठीक है। फिल इंक्वायरी फॉर्म मतलब कुछ इनपुट दे रहा है वहाँ, तो इनपुट बॉक्स है। अपीयर फॉर टेस्ट एक प्रोसेस है। गेट काउंसलिंग, काउंसलिंग भी एक प्रोसेस है। फिल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इनपुट है। पे द फीस प्रोसेस है फीस के अंदर, ठीक है। फिर उसका आउटपुट क्या निकलता है, ज्वाइन द कोर्स एंड गेट द स्टूडेंट किट, ठीक है, स्टॉप। तो एक प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू ऐड टू नंबर्स, हमने क्या करना है, दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूले डिज़ाइन करते हैं जिससे और यूजर काम कर सकें, मतलब दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, स्टार्ट इनपुट में गेट द फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर को इनपुट मिला, गेट द सेकेंड नंबर, इनपुट मिला, प्रोसेस उन दो नंबर को ऐड किया और आउटपुट रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है, फिर स्टॉप कर दिया। अगर इसको प्रोग्रामिंग की इसमें VBA में अगर मैं बनाऊं ये कोड तो कैसे बनेगा, सब ADD करके मैंने बना दिया,
ठीक है, एक मैक्रो। अब इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या कह रहा है, पीएलटी पे जाते हैं, गेट स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, स्टॉप ये हो गया। तो पहला है कि गेट द फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर मिलेगा, मैं कर देता हूँ पहला नंबर इक्वल टू, एक मेरे पास होता है इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स मैसेज बॉक्स की तरह ही होता है, ब्रैकेट ओपन और इसमें यूजर को मैसेज दिखाएंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इनपुट बॉक्स कैसा होता है यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यही चीज़ इधर लिख देता हूँ, और एंटर मारता हूँ तो ये इनपुट बॉक्स आता है, यहाँ आपका मैसेज आ जाता है और यहाँ पे आप जो भी देंगे ओके करेंगे, ठीक है, इनपुट ले गया, इनपुट ले तो गया पर देगा किसको, हमें कुछ चाहिए तो हमने फर्स्ट नंबर दिया कि इसके अंदर दे दो, ये हमारा बस एक वेरिएबल है, कीवर्ड है, जिसके अंदर इससे मिला हुआ नंबर चला जाएगा, ठीक है, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये इक्वल टू के ज़रिए आप पास करा सकते हो, इसमें इसका मतलब नहीं है कि फर्स्ट नंबर इसके बराबर होगा, इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर चली जाएगी। इसी तरह से सेकंड नंबर हम लेंगे, गेट द सेकंड नंबर भी था उसमें, तो यहाँ पे सेकंड नंबर कर दिया, इनपुट बॉक्स में दिखाया एंटर सेकंड नंबर, दूसरी लाइन के लिए हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एंटर करता हूँ, दोनों नंबर ले लिए, ऐड द टू नंबर्स, ठीक है, तो मैंने एक रिज़ल्ट लिखा, ये भी एक तरह का वेरिएबल है जिसमें मैंने कहा कि ये जो है इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम, तो सेकेंड नम की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे, सेकेंड नम, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में जो वैल्यू है वो प्लस होके रिज़ल्ट को मिल जाएगी, ठीक है, तो ये प्रोसेस के अंडर आ गया। अब प्रोसेस के बाद क्या है, डिस्प्ले द रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए अभी हमारे पास क्या है, मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स को ऐसे भी दे सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके, चाहे स्पेस करके दे सकते हैं चाहे उसके थ्रू, और वेरिएबल के लिए हम कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, हम डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब कि हमने रिज़ल्ट मैसेज बॉक्स को दिया और मैसेज बॉक्स उसे मैसेज बॉक्स की शेप में दिखा देगा, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो ये मेरे से मांग रहा है पहले फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 12, ओके किया, सेकंड नंबर 20, ओके किया, अब ये मुझे रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो अभी प्लस करने की बजाय क्या कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है, वो इसलिए कि इनपुट बॉक्स जो एंट्री देता है वो टेक्स्ट में देता है, ठीक है, टेक्स्ट में देता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनकी एंट्रीज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इनका टाइप कैसे डिफाइंड हो कि ये नंबर ही लेगा ये टेक्स्ट ही लेगा इस तरह से। फिलहाल मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ कि इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू आएगी वो सी इंट में आ जाएगी, ठीक है, सी इंट मतलब हो गया कन्वर्ट टू इंटीजर, तो सी इंट के अंदर दे दिया मैंने ये, ठीक है। तो फर्स्ट नम को क्या मिला, नंबर की वैल्यू मिल गई, ठीक है, वो टेक्स्ट की जगह, और दूसरे में भी सी इंट दे दिया, ठीक है। अब दोनों को जो गई इंटीजर वैल्यू गई है, नंबर की वैल्यू गई है, तो नंबर जब प्लस होंगे 20 12 तो इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये सारे कोड्स मैं दोबारा बताऊंगा आपको, अभी मैं खाली फ्लो दिखा रहा हूँ आपको कि फ्लो कैसे होता है इसका चार्ट प्रोग्राम का, कि जैसे कि टू नंबर ऐड किए, स्टार्ट किया, और दो हमने नंबर इनपुट किए, ऐड किया और रिजल्ट डिस्प्ले किया।
ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिस्प्ले द सम ऑफ फाइव नंबर, तो इसमें पांच नंबर एक्सेप्ट करा रखे हैं इनपुट में, ठीक है, फिर प्रोसेस में पांच नंबर प्लस करा रखे हैं डिस्प्ले द सम, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सब सम फाइव, ठीक है, तो पांच नंबर एंटर कराने यहाँ से मैं, सेम कोड लिख देता हूँ, तो यहाँ से पांच नंबर आएंगे, इनको मैं पांच ही ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नम की जगह मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। और रिजल्ट में मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। यहाँ पे जो है सेकंड नंबर के बाद यहाँ थर्ड, ये यूजर को दिखाई देने वाला मैसेज है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फोर्थ, फिफ्थ, तो हमने रिजल्ट को दिखाया, प्रोसेस करवाया, पर अभी डिस्प्ले करना बाकी है, तो मैसेज बॉक्स मेरा डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैंने दे दिया रिजल्ट, ठीक है। तो अब जब मैं ये कोड चलाऊँगा, अब देखिए अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरा कोड एक बार में चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, कि एक एक लाइन चलेगी और पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। उसके लिए F8 का यूज़ करते हैं, या फिर इसमें आपके पास है डिबग में स्टेप इनटू F8, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, F8 अंदर रख के F8 प्रेस करूँगा, तो हमारी ये चालू हो गया, येलो का साइन है, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है अभी, फिर ये हुई। तो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर डाला 12, ओके, ठीक है। अब पहला नंबर गया, हम अगर माउस इस पे ले जाएं, तो ये बता रहा है ए इक्वल टू 12, मतलब ए के अंदर 12 है, ठीक है। अभी क्या है, बी खाली है, तो जैसे ही F8 करेंगे, यहाँ से कुछ डालेंगे तो 20, ठीक है, एक एक करके चल रहा है। तो F8 बार बार हमें दबाना पड़ता है इसको एक लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो सब में अपनी अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। रिजल्ट अभी एम्प्टी है, बस खाली अपने वो माउस ले जाना है ओवर, ठीक है। F8 किया, रिजल्ट में 127 आ गया। अब ये 127 मैसेज बॉक्स को दे रहा है और ये इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, एंड सब ये। तो प्रोग्राम का फ्लो जो है, जैसे स्टेप उसमें के अंदर बने हुए हैं हमारे, सेम इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो इन निशान, इन सिंबल से आपको, फ्लो चार्ट से आपको पता पड़ जाएगा कि प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है। डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड ए स्पेसिफाइड नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, एक नंबर लिया उसको दो से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट दिखाया, स्टॉप। तो इसमें क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ सब प्रॉड कुछ भी, इसका नाम जब भी हम देते हैं प्रोसीजर का, तो इसमें स्पेस नहीं देते कभी भी, ठीक है। अब इसमें इनपुट करा रहे हैं हम कि कोई एक नंबर जो है इनपुट करना है, सी इनपुट बॉक्स एंटर नंबर,
और रिज़ल्ट में मैं क्या करवा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं रिज़ल्ट लिखो, आर लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो वेरिएबल्स होते हैं जो खाली वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ए जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एंट्री को जैसे 2 मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अभी और डिटेल में समझाऊंगा इसको। मैसेज बॉक्स में मैंने दे दिया, मैं स्पेस डाल के भी दे सकता हूँ रिज़ल्ट, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो जब मैं ये रन करूँगा, नंबर डाला 20, रिज़ल्ट में क्या आया, मल्टीप्लाई करके 40, और ये रहा रिज़ल्ट, ठीक है, एंड सब हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना, अभी जो मैंने बताया। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल आपके हो गए जैसे कि हेडिंग्स हो गई, ठीक है। तो जैसे इसमें आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, तो एज क्या हो गया वेरिएबल, एड्रेस वेरिएबल, 21 कॉन्स्टेंट हुआ ये, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं। 10 किंग्सवे कैंप, हाँ ये कॉन्स्टेंट है जो कि एड्रेस के अंदर जाएगा, है ना। हेनरी ये नाम है किसी का, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट एंट्री टेक्स्ट की जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, नंबर की डायरेक्ट होती है, जैसे कि हमारे फार्मूला में हम देते हैं। नाम किसी का नाम है ना, तो कॉन्स्टेंट है। अब नाम तो उसका चेंज करने ही देंगे, हाँ नेम के अंदर हम नाम काफ़ी सारे इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स, सिंपली हेडिंग्स जो होती हैं वो आपके वेरिएबल हैं, ठीक है। 185 ये भी कॉन्स्टेंट है हमारा। कॉन्स्टेंट के भी टाइप होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक टेक्स्ट में होते हैं, एक न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक जिनकी कैलकुलेशन कराने वाले हो आप, तो जैसे ये 185 है कुछ मतलब किसी का साइज़ या कुछ वैसे भी होगा, मतलब 185 कुछ ऐसा लिखना चाह रहा था जिसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, मतलब टेक्स्ट की तरह लिखना चाह रहा था, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया इसने, ठीक है। अब इसमें जो आप आंसर देखोगे तो ये है, कॉन्स्टेंट में आपका ये आया है और वेरिएबल में ये आया है, ठीक है, सिंपली हेडिंग्स। अब कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल को हम अभी जो है 2 तरह से डिफाइन कर रहे हैं, कि एक हमारा करेक्टर है और एक न्यूमेरिक है। करेक्टर मतलब टेक्स्ट, करेक्टर वो चीज़ें हो गई जिस पे हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, जैसे खाली डिस्प्ले कराना चाहते हैं, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरह की चीज़ें। न्यूमेरिक, अब जैसे इसमें क्या है कि डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन आइटम, मतलब किसी स्टोर में गए तो क्या है कि इसने करेक्टर के नाम से एक लिया है, सी आइटम नेम, वेरिएबल का नाम रखा है। एक रूल होता है, आपको वेरिएबल के नाम से कैसे पता पड़ेगा कि वो करेक्टर है कि न्यूमेरिक है, उसके आगे इसलिए इनिशियल लगा देते हैं उसका, सी माने करेक्टर। न्यूमेरिक एन प्राइस, एन क्वांटिटी, एन वैल्यू, तो जो प्राइस हो गया वो न्यूमेरिक टाइप है, क्वांटिटी न्यूमेरिक टाइप है। ये खाली लिखने का होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, पर यह है कि अगर जब प्रोग्राम एक से दूसरे प्रोग्रामर पर जाता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो कम से कम वेरिएबल देख के उसे समझ आ जाए कि उसने यूज किस लिए किया है, कि इसका टाइप ये है। जैसे हमने पुराने वाले में किया तो हमें टाइप नहीं पता था, टेक्स्ट में दे दिया था तब हमने फार्मूला लगाया, तो वो ना करना पड़े उसलिए पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा एक्सेप्ट सी आइटम नेम, आइटम नेम लिया उसने, एन प्राइस, प्राइस लिया, क्वांटिटी, उसने क्या लिया यूजर से, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी। फिर उसने क्या किया, वैल्यू जो निकाली वो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके की, ठीक है। और उसने डिस्प्ले क्या किया, आइटम नेम और वैल्यू, कि ये आइटम है और इतने पैसे देने हैं आपने, ठीक है।
तो ये प्रोग्राम बनाया है, तो कैरेक्टर सी आइटम नेम न्यूमेरिक एंड प्राइस ये अलग से ले रखा। अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं हम, सब वैल ऑफ आइटम, मतलब नाम कुछ ऐसा लिखें जो इसकी लाइब्रेरी में पहले से ना हो, किसी फार्मूला के नाम से या किसी मॉड्यूल के नाम से, ठीक है। वैल ऑफ आइटम मतलब वैल्यू ऑफ एन आइटम, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले इसने बोला है डिक्लेयर करो, बताओ सिस्टम को कि कौन सा किस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें जो डिक्लेरेशन होती है, अभी हमने इनको डायरेक्ट यूज़ किया था, VBA में दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट देके नाम की बताने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को, वो जो वैल्यू आ रही है उससे समझ जाएगा कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। इनपुट बॉक्स जो है टेक्स्ट की वैल्यू लेता है, इसलिए उसने टेक्स्ट दिया तो ये टेक्स्ट बन गया। हम चाहते हैं कुछ भी हो जाए टेक्स्ट नहीं बनना चाहिए, मतलब इसका टाइप डिफाइन करना चाहते हैं। तो डिम जो आइटम नेम था मैं उस पर डालता हूँ एस आइटम नेम, ठीक है, एज स्ट्रिंग। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो डिम के नाम से होगा, डिम का मतलब है डायमेंशन, ठीक है। एस आइटम नेम आपने दिया, एज ये आता है, टाइप क्या है, यहाँ टेक्स्ट का जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, हाँ टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिक में डिम एन प्राइस, जो प्राइस है वो मैंने दे दिया एज इंटीजर, न्यूमेरिक के लिए इंटीजर, पर हाँ न्यूमेरिक के साथ एक और भी है इंटीजर वाली वैल्यू के साथ कि ये डेसिमल नहीं लेते हैं, डेसिमल्स के की वैल्यू नहीं कंटेन करेगा कभी, अगर डेसिमल दोगे तो डेसिमल हटा देगा, राउंड कर देगा वैल्यू को, ठीक है। तो अभी डिम एन प्राइस एज वैल्यू, एक तो ऐसे कर सकते हैं एक एक करके, इकट्ठा करना है तो डिम एन क्वांटिटी एज इंटीजर कॉमा एन वैल्यू, जैसे ये इंटीजर टाइप है ना तो आई प्राइस कर देते हैं इसको आई, ठीक है, ताकि हमें टाइप पता पड़े, क्योंकि इनके टाइप को यहाँ कुछ और बोलते हैं तो उसे पता पड़ जाएगा, क्योंकि इंटीजर भी होता है, लॉन्ग भी होता है, डेसिमल भी होता है, बहुत तरह के होते हैं। तो न्यूमेरिक है पर कौन से टाइप का न्यूमेरिक है, तो बेटर है इसके आगे वो लगा दें, जैसे ऐसे तो हमें पता पड़ गया स्ट्रिंग है, कैरेक्टर भी है इसके अंदर पर कैरेक्टर हम यूज नहीं करना चाहते अभी, कैरेक्टर होता है सिंगल डिजिट कैरेक्टर बस, ठीक है, एक। स्ट्रिंग होता है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, कितना भी। तो अभी इंटीजर के आगे मैंने आई के का वो लगाया है, ठीक है, एन वैल्यू की जगह आई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन एक बार देंगे, आई क्वांटिटी एज इंटीजर कॉमा आई वैल्यू एज इंटीजर। तो अलग अलग टाइप भी लिख सकते हो यहाँ, एज स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, तो मल्टीपल डायमेंशंस को इस तरह से भी दिया जा सकता है। कई बार ये वैल्यू जो है खाली ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, आई क्वांटिटी आई वैल्यू एज इंटीजर, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इंटीजर हो गए, उसका मतलब है कि पहला वाला वेरियंट बन गया, वेरियंट मतलब जो वैल्यू आने पर डिसाइड करेगा कि वो कौन से टाइप का है, जैसे कि ये वेरियंट है जो कि डिक्लेयर नहीं हुए, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों को इंटीजर दिया है, ठीक है, अभी मेरा टाइप डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद ये है एक्सेप्ट सी आइटम नेम, तो ये आइटम नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और मैंने कहा एंटर आइटम नेम यूजर को, ठीक है। और क्या मांगा है उसने, प्राइस और क्वांटिटी, तो आई प्राइस इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर प्राइस। अब देखो जैसा डिक्लेयर हुआ है आप इसमें केस कोई भी लिखोगे ये उसी में आ जाएगा, अगर उस केस में नहीं आ रहा है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। आई क्वांटिटी इक्वल टू इनपुट बॉक्स
जैसे इसमें इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने ये प्लस माइनस किया था, तो ऐसी कैलकुलेशन के लिए बीच में स्पेस देना होता है, इकट्ठे नहीं लगाते हैं। कई बार तो जैसे इस इक्वल टू के बाद स्पेस है सब में, तो कई बार ये ऑटोमेटिक ले लेता है, कई बार अगर ना ले तो स्पेस लगा देना चल जाएगा, ठीक है। तो एंटर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी मैंने क्वांटिटी एंटर कराई और इसमें जो वैल्यू है वो मुझे कैलकुलेट करके लानी है। तो आई वैल्यू इक्वल टू आई प्राइस मल्टीप्लाई, स्पेस देके मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई क्वांटिटी, ठीक है। तो आई वैल्यू मेरे पास निकल आई। अब मैसेज बॉक्स में मुझे दिखाना है अब कि आइटम नेम क्या था, स्पेस किया, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में यू हैव परचेज्ड, ठीक है, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड का साइन लगाया, क्या, कंकैटिनेशन के लिए, और कंकैटिनेट करके स्पेस देना ज़रूरी है। मैंने कर दिया, यहाँ पे आएगा एस आइटम नेम से जो वैल्यू आएगी, जैसे हम फार्मूला में दे देते हैं ना स्ट्रिंग बना के, तो वेरिएबल को इसको इसके साथ जॉइंट किया जा सकता है, पर वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आता, तो एंड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने इसके साथ एंड लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में आइटम ले लिया, डॉट लगा दिया। द प्राइस यू हैव टू पे इज रुपीज, स्पेस, यहाँ फिर से कंकैटिनेट किया किसको, आई वैल्यू को, देखिए अभी स्पेस नहीं लगाया, कई बार ले लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, F8, इसमें क्या कह रहा है, गड़बड़ है, कंपाइल एरर, तो इनपुट बॉक्स की स्पेलिंग सही नहीं है, ये यहीं पे आके रुका था ना, ठीक है, F8, ठीक है। ये क्या है कि इनमें कर्जर नहीं जाएगा, ये सिस्टम डेफिनेशन जो फर्स्ट कंपाइलेशन था जिसने हमें एरर बताई थी उसमें ही पहले उठा लेता है, ठीक है। तो इसको पता है अंदर क्या है, कोड गड़बड़ होगा तो पहले ही बता देगा आपको। अब एग्जीक्यूशन जो है इन इन लाइंस का होगा, F8, आइटम नेम डालना है पेन ड्राइव, ठीक है। एंटरप्राइस प्राइस मैंने कहा कि 250 रुपये की है, क्वांटिटी मैंने कहा कि 10 दे दो, ठीक है, ओके किया। आई वैल्यू निकल के आई और मैसेज बॉक्स हमें दिखाएगा यू हैव परचेज्ड पेन ड्राइव, द प्राइस यू हैव टू पे इज ₹2500, ठीक है। तो ये हो गया एंड सब आपका। तो इस तरह से कोड बनता है आपका, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो। आगे इसमें हमारे पास स्टार्ट है और क्या है, फाइंड आउट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, हमें चेक करना है कि क्या नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक, ये क्या है, प्रोसेस में डिक्लेरेशन प्रोसेस में आ जाती है, ठीक है। एक्सेप्ट नंबर, एन नंबर, मतलब एन नंबर, उसने नंबर एंटर करवाया, इज एन नंबर मड्यूलो बाय 5, ये परसेंटेज का साइन लग रहा है पर ये मड्यूलो है, ठीक है। मड्यूलो का मतलब होता है जो हमने, हमारे पास एक मोड का फंक्शन होता है ना, रिमाइंडर देता है, जैसे एक्सेल में अगर कहें तो मैंने कहा 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना बचता है रिमाइंडर, तो मोड का फंक्शन है MOD, ठीक है, नंबर और डिविजिबल क्या है, ठीक है, तो आ रहा है 1, ठीक है। तो हमने देखना है कि 5 से डिवाइड होता है कि नहीं नंबर, अब 15 है, मैंने यहाँ 5 डाल दिया,
अगर यहाँ ज़ीरो है तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ और भी रिमाइंडर है तो नहीं हो रहा, मतलब कि हमें पता है कि अगर यहाँ ज़ीरो मोड ने हमें दे दिया तो उसका मतलब है कि नंबर डिविजिबल है। ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो दे दिया तो डिविजिबल है। देखिए जैसे यहाँ 20 डाला, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो हमें यहाँ पे यही है, मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर 5 से रिमाइंडर करने के बाद ज़ीरो आता है तो यस में डिस्प्ले डिविजिबल बाय 5 मैसेज दिखाएगा, हाँ डिविजिबल बाय 5 है। अगर नहीं आता है ज़ीरो तो नो में चला जाएगा और कहेगा नॉट डिविजिबल बाय 5। इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे फ्लो आ रहा है इसमें देखोगे, यस के केस में ऐसे गया और इधर से यहाँ से स्टॉप हो गया, और नो के केस में ऐसे गया इधर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम की डायरेक्शन चेंज करेंगे, दो डायरेक्शन चलेंगी इसमें, है ना, यस और नो की। अभी सीधा सीधा चल रहा था स्टेप बाय स्टेप, अब ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं जिससे स्टेप चेंज करेगा ये। तो मैं इसका बना देता हूँ सब div 5, ठीक है, ये बना रहे हैं। इसमें मैं करूँगा, पहले हमें नंबर को डिक्लेयर करना है, तो dim i num as integer, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट कराई वैल्यू, तो i num इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब देखिए इन वालों में मैंने कोई भी वो नहीं लिया था, सी इंट नहीं लिया था, क्योंकि मैंने टाइप पहले ही डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ टेक्स्ट तो था पर यहाँ जाके अपने आप न्यूमेरिक हो गया वो, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स से हम करते हैं एंटर नंबर, नंबर एंटर करवाया। उसके बाद चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं, डिसीजन वाला काम कैसे होगा। तो ये इसके लिए आपका इफ का फॉर्मूला लगता है, इफ आई नम मोड का एक हमारे पास कीवर्ड है, जैसे प्लस स्टार माइनस वो सब लगाते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो इसी तरह मोड का कीवर्ड है, मोड 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसमें मोड का कीवर्ड लगता है बस, और इसमें डालेंगे, ये तो हमारी ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करेगा, जैसे हम कंडीशन बनाते हैं देन लिखते हैं। तो देन के बाद देखिए मोड अपने आप हो गया ना, इफ जब भी चालू होगा एंड इफ आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी हम देंगे वो यस के केस में चलेगा, जैसे एमएसजी बॉक्स डिविजिबल बाय 5, ठीक है, यस का हो गया। तो नो का कहाँ आएगा अगर नो होता, तो इसी में हम लिखते एल्स एंड इफ के बीच में। अब इसके दो सेक्शन बन गए हैं, एक तो ये वाला, तो वैल्यू इफ ट्रू यहाँ आएगी, वैल्यू इफ फॉल्स का यहाँ आएगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा एमएसजी बॉक्स नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा अब देखते हैं। F8 नंबर डाला मैंने पहले 15, ओके किया, इसमें कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ये जो है सिलेक्ट कर लेंगे तो बता रहा है कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू है ना। तो ये चला जाएगा पहले ही सेक्शन में, इसको चलाएगा, डिस्प्ले किया। अब उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से एंड इफ पे कूद गया, ठीक है, एंड इफ हुआ एंड सब हुआ। और अगर नॉट डिविजिबल बाय 5 होता, जैसे 16 डाल दिया मैंने, ठीक है, अब ये चेक करने गया तो यहाँ क्या आ रहा है, सिलेक्ट किया मैंने, फॉल्स दिखा रहा है।
तो ये कूदेगा डायरेक्ट आपका एल्स में, इसको छोड़ जाएगा और एल्स के अंदर जो कोड है उसको चला देगा। एंड इफ, समझ आया? तो यहाँ ट्रू आया तो इसको चलाएगा, फॉल्स आया तो इसको चलाएगा, इस वाले को, ठीक है? और दोनों में से कोई भी एक एग्जीक्यूट करने के बाद ये एंड इफ पे आ जाएगा। यहाँ पे और भी लाइंस दी जा सकती हैं, और भी कुछ भी हम आगे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्शन चेंज होती है। एक सेकेंड, देखो इफ इफ एल्स में होता क्या है कि जैसे यहाँ एक बार दिखाता हूँ, लॉजिक इफ के फॉर्मूला में लॉजिकल टेस्ट होता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल टेस्ट, आई नम मॉड 5 इक्वल टू 0, ठीक है? वैल्यू इफ ट्रू हो गई ये इफ और एल्स के बीच में, ठीक है? और वैल्यू इफ फॉल्स हो गई ये, ठीक है? तो ये एक इफ का फॉर्मूला है, इसका पैटर्न इस तरह है, इफ लॉजिकल टेस्ट, वह कॉमा लगाते हैं, यहाँ देन लगाना पड़ता है, फिर वैल्यू इफ ट्रू, वहाँ कॉमा लगाते हैं, यहाँ एल्स लगाना पड़ेगा, वैल्यू इफ फॉल्स, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया तुम्हारा, ठीक है? तो ये कोड याद रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे जो पैटर्न है कि इफ कैसे लगाते हैं, जैसे सब स्टार्ट करते हैं तो एंड सब लगाते हैं, इसलिए इफ़ जब स्टार्ट करते हैं तो एंड इफ भी लगाते हैं, क्योंकि उसे कैसे पता कि एल्स वाली कंडीशन कहाँ तक है ना, या इफ की कंडीशन कहाँ तक है वैल्यू इफ ट्रू। तो ये बस पैरामीटर हैं उसके स्टॉप कराने के, उसको जानने के, ठीक है? तो ठीक है, क्लियर है ना? आगे के प्रोग्राम देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो ना हैं? अब देखते एक और कंडीशन देखते हैं, ठीक है? लूप्स जो है हम कल करेंगे, ठीक है? मतलब ये सब मैं टॉपिक इफ एल्स वाले दोबारा भी कराऊंगा, अभी मैं खाली फ्लो समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? अब ये कह रहा है डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो तीन नंबर लेंगे 1 2 3 करके इस तरह से, ठीक है? तीन नंबर डिक्लेयर हो गए और एन लार्जेस्ट, इसने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है, तीन नंबर लिए, अब इसने इफ से चेक किया नंबर वन बड़ा है कि नंबर टू बड़ा है, ठीक है? तो अगर नंबर वन बड़ा है तो यस में क्या करेगा, एन लार्जेस्ट में नम वन आ जाएगा, और नहीं है तो मतलब नंबर टू बड़ा है, तो एन लार्जेस्ट में नंबर टू बड़ा है, मतलब कि इस इफ की कंडीशन से जब निकलेगा तो एन लार्जेस्ट में दोनों में से बड़ा नंबर होगा, ठीक है? आगे देखते हैं, उसके बाद इसने एक और इफ लगाया और इसमें बोला कि नम थ्री क्या बड़ा है, इज ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट, अच्छा एन लार्जेस्ट बड़ा है कि नंबर थ्री बड़ा है, अगर एन लार्जेस्ट नंबर थ्री बड़ा है तो ये नंबर थ्री को डिस्प्ले कर देगा एज ए लार्जेस्ट वैल्यू, अगर नहीं तो ये एन लार्जेस्ट को ही डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? समझ आया कैसे होगा? ठीक है, लॉजिक बनाया, अगर मैं इसमें लगाऊं तीन नंबर ले लेते हैं, अब की बार हम नंबर इनपुट बॉक्स से नहीं लेते हैं, यहीं पे ही ऐसे ही लगा लेते हैं, जैसे इक्वल टू करके दे देते हैं ना, तो इसमें लार्ज थ्री करके दे देता हूँ, ठीक है? तो नम वन आई नम टू एज इंटीजर और आई नम थ्री एज इंटीजर और आई लार्ज
एज इंटीजर, ठीक है, चार वेरिएबल आ गए, उसके बाद चार वेरिएबल में वैल्यू दे देते हैं, यहीं से दे देता हूँ मैं, अलग से नहीं देता, आई नम वन, नम वन में मैं दे देता हूँ इक्वल टू, एक हो जाएगी 10, आई नम वन 15, हाँ टू टू, ठीक है, आई नम 3 इक्वल टू 25 कर देता हूँ, तो तीन नंबर आ गए। उसके बाद इफ में मैं क्या लगाऊंगा, लॉजिकल टेस्ट, पहला कि आई नम 1 इज ग्रेटर देन आई नम 2, ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर नंबर 1 बड़ा है मतलब ट्रू आता है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा आई लार्ज में इक्वल टू आई नम 1, ठीक है, पहला जाएगा, अदरवाइज एल्स केस में जाएगा यहाँ, वैसे ही टाइप कर देते हैं, आई लार्ज में जाएगा आई नम 2। तो दोनों केस में एंड इफ के बाद जो हमारे पास, अगर हम आई लार्ज डिस्प्ले करें तो हमारे पास दो में से लार्जेस्ट होगा, तो हमें क्या करना है, एक और करना है, एक और कंडीशन, इफ आई नम 3 ग्रेटर देन आई लार्ज देन क्या करना है, एंड इफ लगाना ज़रूरी है, एल्स, ठीक है, तो इसके बीच में देंगे, यहाँ देंगे, अगर नंबर 3 बड़ा हो जाता है तो मैसेज बॉक्स से डिस्प्ले कर देंगे आई नम 3, ठीक है, अदरवाइज मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देंगे आई लार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड चलेगा। अब देखो मैं F8 करके लाता हूँ, 10 15 25 चला गया, इसमें से ट्रू फॉल्स है, एल्स में चला गया क्योंकि 15 बड़ा था, तो आई लार्ज में 15 चला गया, नम 3 में क्या था, 25 था, ठीक है, और इसमें 15 है, तो ये बड़ा है, ये मैसेज दिखाएगा 25, और एंड इफ पे पहुंच गया, एंड हो गया, ठीक है। यहाँ मान लो सबसे बड़ा नंबर है, तो किसी भी केस में ये चला जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा था नम 1 में, तो आई लार्ज में नम 1 दिया, एंड इफ पे पहुंच गया डायरेक्ट, तो आई लार्ज में 50 सबसे बड़ा आ गया, तो इसके एल्स पे पहुंच गया ये डिस्प्ले, ठीक है, समझ आया कैसे चलता है, है? तो इस तरह से हम इसमें कंडीशंस दे सकते हैं जो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रिकॉर्डिंग मैक्रो वगैरह, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती है, कभी भी मैक्रो रिकॉर्ड होगा तो ये इफ एल्स नहीं लगा सकता वो। यहाँ से हमें पावर मिलती है कि हम अपने हिसाब से प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कोडिंग तो, हमें कोड तो मिल जाएंगे, पर प्रोग्राम करना कैसे है, चलाना कैसे है, वो इसी प्रोसेस से आएगा। अब इसमें क्या है, चेक इफ़ द एज इज़ नेगेटिव, देखो कि एज नेगेटिव तो नहीं डाल रहा है बंदा, तो किसी को बोला हमने एज डालो, तो अगर उसका -25 लिख दी उसने, तो वो चेक करने के लिए एक वैलिडेशन सा बनाया है इसने प्रोग्राम में, नुमेरिक एन एज कर रखा है, एक्सेप्ट करवाई, तो पहले इसने चेक किया कहीं ज़ीरो तो नहीं है, अगर है तो इसने लिख दिया एज कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ये चेक करेगा क्या ज़ीरो से बड़ी है, नहीं एज जो है ज़ीरो से बड़ी है, है तो एज दिखा देगा और नहीं है तो डिस्प्ले एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि दो मैसेज थे, या तो वो खाली छोड़ सकता था ज़ीरो लिख के, या नेगेटिव दे सकता था, उसके अलावा ये सही ही देगा, ठीक है। तो यस नो करके इसमें भी फ्लो बन जाएगा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे आ जाते हैं लूप्स, जिसको मैं आपको कल क्लियर करूँगा, ठीक है।